Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. ओके तो शुरुआत करते हैं आज बड़े इंपोर्टेंट 2020 का गेम खेल लेते हैं आपके मेरे बीच में एक 2020 का गेम हो जाना चाहिए। कौन सा? 20 ऑर्गेनिक के रेजेंट्स। यस 20 ऑर्गेनिक के रेजेंट्स और उससे रिलेटेड या टेस्ट नहीं साहब टेस्ट की अभी बात नहीं कर रहे 20 ऑर्गेनिक के रेजेंट्स की बात कर रहे हैं जिनमें से क्वेश्चन को आना है। बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये नोट डाउन करिएगा कि जो आपका पीडीएफ लिंक है उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 20 रेजेंट्स वहीं पर नजर आएंगे, फिर एक फ्लो चार्ट नजर आएगा। ये 20 रेजेंट्स आपके एक ही क्वेश्चन से सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। एक ही क्वेश्चन से 20 रेजेंट्स को क्लियर कर दिया जाएगा और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्यों भाई? क्योंकि अब तक मैं चुप था लेकिन आपका जो जेई हुआ उसमें कई बच्चों ने कमेंट्स करके लिखा, कई बच्चों ने कि सर जो आपने ऑर्गेनिक बॉम्ब की शुरुआत ही करी थी पहले दिन उसी से कई सवाल एज इट इज आ गए एनटीए द्वारा बनाए हुए पेपर में। तो एनटीए का पेपर तो अभी एक और भी होना भैया नीट वाला, तो इसका मतलब क्या है एनटीए वालों के पेपर में फिर से इन्हीं रेजेंट्स को आना है और जब इन रेजेंट्स को आना है तो आपको इन्हें करके जाना है और आपको इनको करके जाना है तो बिंदास तरीके से समझना सीखना है। और मैं आपको एक यहां पर फटाक से एक सवाल दूंगा, एबीसीडी एफजी जेड तक खत्म हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूं घबराना नहीं, जेड तक खत्म हो जाएगा, फिर अल्फाबीटा गामा भी शुरू करने पड़ेंगे। लेकिन 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 सारे रेजेंट्स आपके टिप्स पर हो जाएंगे। कैसे उन्हें अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे करके क्वेश्चन आया करते हैं और एग्जाम में आना पड़ेगा, एग्जाम में आना पड़ेगा, दैट्स इट। और वो जो मैंने कल केस बताया था आपको, ठीक है भाई, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मोटिवेशन की वीडियो है ना, लोग 10-12 मिनट की डालते हैं जिससे कि वो ज्यादा लोग देखें, वायरल हो जाए, फायदा हो जाए। मैं तो कहानी लेकर के बैठ जाता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ है ना, मूवी नहीं है। देखिए मूवी में क्या होता है, बहुत सारे सीन काट दिए जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे सीन काट दिए जाते हैं, सोना खाना पीना मतलब ये सब चीज़ काट दी जाती हैं और दो चार मेन सीन दिखाए देते हैं। तो ऐसे क्या होता है मोटिवेशन वीडियो में सब कुछ खटखट काट करके कुछ इंपैक्टिंग बातें कह जाती हैं, लेकिन मेरे साथ क्या देसी स्टाइल में सारी बातें बताता चला जाता हूं क्योंकि सामने जो हो रहा होता है सब याद आता रहता है, सभी हुआ है सभी ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अब कैसा होगा, अब ऐसा होगा कि इन रिजल्ट्स को आप लोग करके जाएंगे ऐसा, उसके बाद में फिर एक और अगला गेम होगा। वो गेम हमारे पास में क्या होगा, रिएक्शंस और उनके इंटरमीडिएट्स, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे कि जो रिएक्शंस होती हैं उनके इंटरमीडिएट्स कैसे हुआ करते हैं, उनको किस तरह से हमें डील करना है, ऑन रिएक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद में लास्ट ऑर्गेनिक में एक चैप्टर जो एनटीए वालों ने बहुत दिवस कर रखा है वो है बायोमोलिकुल पॉलीमर वगैरह वाला, वो बहुत आ रखा है यार, शुरू से हम कहते अरे आएगा, उसके ट्रिक टेक्निक समझा देते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बार का टेस्ट, यस संडे के टेस्ट के लिए ध्यान रखिएगा, इस बार संडे के टेस्ट से जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं पहले ऐसे कहा करता था एग्जामिनेशन में आएगा तो वो एग्जामिनेशन में आ जाता था या कुछ भी कह लीजिए, तो कई बार यार प्रॉब्लम हो जाती थी, नोटिस वोटिस आ जाते थे कि तुम्हें कैसे पता था जी कि क्वेश्चन आएगा। 2017 में मतलब 15-16 एज इट इज क्वेश्चन आ गए, एज इट इज, जो मैंने यूट्यूब पर ठोक के कहा हिम्मत नहीं इससे बाहर आएगा, हिम्मत नहीं इससे। तो ये वर्ड्स खत्म करने पड़ रहे हैं बस कि ये ही आएगा, क्यों कल को कोई हमसे कहने लगेगा, इसलिए वर्ड खत्म कर रहा हूं। लेकिन ये कह रहा हूं इनको एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा वाला वर्ड खत्म कर रहा हूं, यही आएगा वाला वर्ड खत्म कर रहा हूं, इन्हें कर लेना एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप इशारे में समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, चलिए कुछ बातें नहीं बोलनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं अपनी शुरुआत इन रिजल्ट्स के साथ, इस क्वेश्चन के साथ और बिंदास तरीके से बढ़िया से, और मोटिवेट रहिए, मस्त रहिए, अभी तो बहुत समय है, अभी तो दिनों में गिन रहे हो, थोड़े दिन में घंटे में गिनना शुरू करो, मिनट में, अरे कैलकुलेशन तो करो यार बैठ करके, दिन को खत्म करो आवर से, जितने आवर पढ़ सकते हो 6 घंटे 7 घंटे सोने के अलावा जितने आवर पढ़ सकते हो उससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद मिनट से मल्टीप्लाई करना, बहुत मिनट बचे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सेकंड में होंगे, बाद में सेकंड से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, टेंशन मत लो, शुरू हो जाओ, चलो ठीक है करते हैं रिजल्ट की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पहली स्लाइड में थोड़ी देर के लिए देख लिया होगा कि आपको रेजेंट्स दिखा दिए गए थे, कौन कौन से रेजेंट्स थे आपके, वाटर था BS3 मतलब HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HOCl, HgSO4, H2SO4, NbS, Br2 लिक्विड, HBr, O3ZN, SiA2BH, OSO4, KMnO4, जिंक,
I2NaOH, NaNO2HCl, KMnO4OH minus, Cu300 degrees Celsius, 17, KOH alcoholic, KOH aqueous, KHSO4, PCl5, इन सारे reagents को हमने क्या करना है, discuss करना है, हमें आपसे डिस्कस करना है, एक एक करके इन सबको डिस्कस करना है, और उस डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है ये वाला क्वेश्चन। मेरे पास में ये क्वेश्चन है और इसके अंदर ए बी सी डी ये करके इसका छोटा सा मतलब कुछ रेजेंट्स आपके रह जाएंगे, उनको हम डिस्कस कर लेंगे एक दूसरे क्वेश्चन से। तो जरा यहां से बात शुरू करते हैं। मेरे पास में वॉटर है, इनप्रेजेंस ऑफ एसिड है, इसके ऊपर गेम होने जा रहा है, इसके ऊपर जब गेम होने जाएगा तो ये इधर की ओर टूटेगा, ये होगा माइनस और प्लस। जब भी एसिडिक वाटर से रिएक्ट होता है तो एच आएगा यहां और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होने पर जो ए बनेगा वो आपका बनेगा CH3, और इस जगह पर मेरे पास में CH3 है, ये OH है, यहां CH2 है और यहां CH3 है, मतलब यहां माइनस और प्लस है, ये रीअरेंज होकर के यहां पर आ गया, यहां पर आ गया तो OH इस जगह पर लग जाएगा, ये आपका बन गया। अब इसके बाद में हमारे पास में PCl है। PCl का काम क्या होता है, किसी भी जगह पर OH को हटा करके लग जाना, मतलब इस जगह पर क्या लगेगा, Cl लग जाएगा, इस जगह पर क्या लगेगा, Cl लग जाएगा, तो PCl का काम भी हमें पता चल गया। अब इसके बाद में यहां ऊपर क्यों Cu300 की बात करी गई है, Cu300 जिससे हम बना रहे हैं K। देखिए Cu300 की खूबी क्या होती है, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाया करता, सेकेंडरी का कीटोन बनाया करता, मैंने आपको पढ़ाया है शुरुआत में, और टर्शियरी का एल्कीन बनाएगा, वो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो एल्कीन कैसे बनेगा, एलिमिनेशन से OH और H के द्वारा, और बनने वाली चीज का नाम होगा CH3, इस जगह पर बनेगा डबल बॉन्ड और यहां आपका CH3 आ जाएगा, ये मेरे पास में बना, दिस इज व्हाट K, ये K है, ये हमारे पास में K दिया हुआ है। K तक बात कहां था हम, इधर की ओर B की तरफ बात शुरू है। एक्वस KOH क्या करेगा, इसको हटा करके P वाली कंडीशन की हम बात करेंगे, इसको हटा करके यहां क्या लगा देगा, OH लगा देगा, कौन, KOH एक्वस, एक्वस KOH इस काम को कर रहा होगा। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का काम फिर से HCl को बाहर निकालना, डबल बॉन्ड आपका इसी जगह पर आएगा जिससे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड बने, तो के और सी एक ही होंगे, के और सी एक जैसे ही होंगे। अब बात आती है NBS की, NBS में हमारे पास में क्या होता है, डबल सेनेक्स पे BR, डबल सेनेक्स पे BR, डबल सेनेक्स पे BR, ठीक है, तो डबल सेनेक्स पे हम अपना क्या करेंगे, BR को लगा देंगे, मतलब हम एलाइलिक पोजिशन पे आपका क्या करेंगे, BR को लगा देते हैं, ये हमारे पास में डबल सेनेक्स पे BR लग गया है। अब उसके बाद में हमसे कहा करता है कि NaNO2 आपका क्या है, NH3, सॉरी हमारे पास में क्या दिया, NH3, तो NH3 क्या करेगा, इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा तो यहां पर हमारे पास में NH2 लग जाएगा, और हमारे पास में इसके बाद जो कहानी होनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि ये जो चीज है ये किसे पैदा करता है, ये पैदा करता है HNO2 को, जब ये HNO2 को पैदा करेगा तो HNO2 को पैदा करने पर NH2 की जगह लग जाएगा OH अल्कोहल। तो ये बातें मेरी हमारे रेस्पेक्टिव जितनी थी वो इधर की तरफ हमने पूरी करी है। इसके अंदर एक चीज और हुआ करती है, KHSO4 डिहाइड्रेशन, ये यहां से निकलेगा, डिहाइड्रेशन क्या होगा साहब, CH3, इस जगह पर डबल बॉन्ड है, CH है और यहां पर हमारे पास CH3 है, ये आपका T हो जाएगा। तो ABCD इधर ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हमने यहां से यहां तक कंप्लीट कर दिया है। अब हम आते हैं इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में कौन है, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका काम क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। कल भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था कि एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ में हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये हमारे पास में किस तरह से हो सकता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ में किस किस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, कल एग्जाम में बाई चांस आ भी गया, इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहां CF3 करूंगा तो ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां आएगा क्योंकि यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रोनिगेटिव आएगा क्योंकि CF3 अपनी तरफ को खींच रहा है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए NH2 लगा हुआ है, तो NH2 कैसा है, प्लस M ग्रुप है, प्लस M ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को देना, इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो उधर माइनस इधर प्लस आएगा, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ नहीं काम कर रहा हमारे पास में, यहां सॉरी मार्कोनिक ऑफ काम कर रहा है हमारे पास में, मार्कोनिक ऑफ हमारे पास में हो गया, तो मार्कोनिक ऑफ ऐसे केस में हमारे पास में काम नहीं कर रहा है। मार्कोनिक ऑफ हमारे पास में ऐसे केस में क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आ रहा है और यहां पर जाके इलेक्ट्रोनिगेटिव लग रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव लग रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या हो रहा है, यहां हमारे पास में उल्टा केस हुआ करता है, यहां पर हमारे पास में OH यहां लगता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं, इस जगह पर जाकर के OH लगेगा, तो OH यहां लगने का मतलब ई जो हमारे पास में बनेगा वो बनेगा CH3, CH, CH3, और मेरे पास में यहां पर यह लिखा हुआ है
ये लिखा हुआ है कि इस जगह पर लग जाएगा OH. दिस इज व्हाट प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल एसिडिक KMnO4 से जब रिएक्ट करते हैं तो पहले बनाएंगे एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आगे बन जाएगा एसिड. एसिड बन जाएगा तो हमारे पास में जो ई के बाद एफ होगा उसमें ये तो ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, ये आपका ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां तक एफ का गेम खत्म कर दिया. अब CU 300 डिग्री सेल्सियस की बात आती है. जब E के ऊपर CU 300 डिग्री सेल्सियस, अभी अभी बताया था, CU 300 डिग्री सेल्सियस पे प्राइमरी देता एल्डिहाइड, सेकेंडरी देता कीटोन, लेकिन टर्शियरी देता एल्कीन. सिंस ये प्राइमरी है तो इसको एल्डिहाइड देना पड़ेगा. इस तरह से हमारे पास में अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया, ये मेरे पास में ये हो गया, और ये मेरे पास में CHO बन गया, ये मेरे पास में CHO बन गया. अब इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा गेम करा गया, दैट इज PCl5. अभी थोड़ी देर पहले PCl5 जो कि A के साथ रिएक्ट कर रहा था तो OH के साथ क्या लगाया था, Cl लगाया था. PCl5 ने OH हटा के क्या लगाया था, Cl. यही काम हमारे पास में तीन और हैं. PCl3 करा करता है, SOCl2 करा करता है, या PI2 या I3 इस तरह से कर देंगे, वो भी OH को हटा करके इस तरह से Cl या I को लगा दिया करता है. अब जो यहां बात आती है वो ये आती है कि ये जो हमारे पास में CHO लिखा हुआ है, ये जो यहां CHO लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास में कहानी क्या बनती है कि CO ग्रुप जो होता है हमारे पास में वो इक्वलेंट टू होता है 2OH ग्रुप, 2OH ग्रुप के बराबर हुआ करता है. जो CO ग्रुप है वो 2OH ग्रुप के बराबर हुआ करता है. 2OH ग्रुप होने का मतलब है कि थोड़ी देर में ये यहां से H2O निकाल लेगा, फिर से यही बन जाना है. तो ये हमारे पास में इस जगह पर जो CHO दिखा रहा है किसमें, ये H के अंदर दिखाई दे रहा है. इस H के अंदर दो आपके पास में OH लगे हुए हैं, दो OH लगे हुए हैं, दो OH लगे होने की जगह पर यहीं पर दो Cl लग जाएंगे. तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, PCl5 के रेस्पेक्टिव ये हमारे पास में, सॉरी ये हमारे पास में जीता. H की जब मैं बात करूंगा तो क्या होगा, CH3, CH, CH3, और मेरे पास में CH2 है, यहां क्या होगा Cl, और यहां क्या होगा Cl, दो Cl लग जाएंगे हमारे पास में, 2Cl. अब ये NaNH2 का काम क्या होता है, ये NaNH2 मैंने कई बार बताया दुनिया में बहुत अच्छे एलिमिनेशन में से ये भी है, क्या करता है ये HCl को बाहर निकालता है, इवन डबल बॉन्डेड से भी. डबल बॉन्डेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है और यहां पर लिखा है KOH alcoholic, नो डाउट आपका डबल बॉन्ड लग जाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास में किसी जगह पर यह लिखा हुआ है ऐसे करके और हमारे पास में KOH alcoholic हमारे पास में कहीं पर दिया हुआ है तो ये इसके साथ निकलेगा, नहीं साहब ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा NaNH2 के साथ. NaNH2 का मतलब क्या है, बहुत स्ट्रांग हुआ करता है, और ये हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिलकर के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, वो हमारे साथ में बन जाया करता है, वहां पर बन जाया करता है. तो इसी तरह से हमारे पास में क्या है, ये दो HCl हमारे पास में एक साथ है, ये HCl और ये HCl हमारे पास में एक साथ है. अब हमारे पास में क्या करना है, जो H हमारे पास में दिया हुआ है, कौन सा H दिया हुआ है, ये वाला H, जब हमारे पास में 3NaNH2, तो एक NaNH2 इसे खाएगा, एक NaNH2 इसे खाएगा, तो यहां क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड. थर्ड क्या करेगा, थर्ड इस जगह पर Na लगा देगा, थर्ड इस जगह पर क्या लगाएगा, Na लगा देगा. तो हमारे पास में इस जगह पर क्या होना है, जरा थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं, इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर होगा CH3, CH, CH3, और इस जगह पर हमारे पास में क्या होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहां पर हमारे पास में क्या NaNH2 हो रहा है, ये यहां लग गया CH3, CH, CH3, यहां C ट्रिपल बॉन्ड CNa हो गया, नीचे कौन है CH3Cl, तो ये Cl और CH3 कुछ काम करा करता है, क्या काम करा करता है, इसे निकाल देता है. That's it. ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्या कि हमारे पास में NaNH2 का काम क्या होता है, एक NaNH2 HCl, दूसरा NaNH2 दूसरा HCl. अब हमारे पास में क्या होगा, तीसरा वाला जो करेगा, जो वन एल्काइन है, वन एल्काइन पे Na लगेगा, H इसके साथ जाके NH3, तो वन एल्काइन इसके साथ रिएक्ट करता है, ये Na बनता है, इसको निकाल करके ये बना दिया जाता है. तो NaNH2 का रोल भी हमने बता दिया, NaNH2 का रोल क्या होता है, ऐसी जगह से भी HCl को निकाल देता है जहां से निकलना उसका मुश्किल था, जैसे कि डबल बॉन्डेड से. तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन या फिर डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी समझ लीजिए, यहां पर मैंने रिएजेंट्स के थ्रू आपको समझाया, सारे रिएजेंट्स का मैंने रोल यहां पर बता दिया. HSO4 आपका बेस्ट डिहाइड्रेटिंग होता है, मतलब बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग है, बहुत जल्दी से H2O को निकाल लिया करता है. तो इसी तरह से मैं रिएजेंट्स के दो तीन शॉट्स आपके साथ में खेलूंगा, दो तीन बातें मैं आपको रिएजेंट्स की इसके बारे में बता रहा हूं, और उसके बाद में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट और टेस्टों की बात करूंगा. तो अभी मैंने आपसे बात की थी इन कुछ रेजेंट्स की, अब इसके बाद इसमें बाकी बचे हुए जो रेजेंट्स हैं वो अगले शॉट में, इसी के अगले शॉट में मैं आपके साथ में पूरे कर रहा हूं, उनको भूलिएगा मत.
पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपके एग्जाम में जो अब मैं बताने जा रहा हूं उनमें से एक क्वेश्चन एज इट इज आएगा, एक क्वेश्चन एज इट इज आएगा, फिट लग रहा दिमाग में कि होना है आना है। क्यों हो रहा है नहीं पता, अभी अभी अब मैं इसका रिमेनिंग पार्ट जो पूरा कर रहा हूं 20 रिजल्ट्स का अभी शुरू करता हूं। चलिए ओके कमिंग विद दिस वन। ये हमारे पास में एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त क्वेश्चन है और बात को समझते हुए चलते हैं। क्या है हमारे पास में जो सेकंड पार्ट हमारे पास में, उसके रिस्पेक्टिव में आपसे बात करता हूं। उसमें मैक्सिमम वो बातें ले ली गई हैं जो आपके दिमाग में हमेशा जहन में रहती हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करिए। इस वाले क्वेश्चन से बात करते हैं। हमारे पास में दोनों बी आर एक ही साइड में, अगर मैं ऐसे कहूंगा तो ये मीजो है। जैसे जिंक लिया जाएगा तो हमारे पास में क्या होता है, ये बात भी आपके साथ मेरे साथ डिस्कस हो चुकी है और उसको एक बार यहां पर फिर से लेने की कोशिश करके आपको क्लियर करा रहे हैं। जब ये निकलेगा तो इसे घुमा देगा, घुमा देगा मतलब ये जो U बनेगा, U हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा आपका यहां पर होगा CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां H होगा, यहां CH3 होगा। कैसा बनेगा ये अपने आप में ट्रांस बनेगा, ये इसे घुमा देगा, ये कैसा बनेगा ट्रांस बनेगा। अब इस ट्रांस की अगर मैं बात करता हूं और यहां पर मेरे पास में HCOOH लग रहा है, मतलब एक ऐसा लग रहा है जो घुमा करके अटैक करता है, तो घुमा कर अटैक करने का मतलब क्या है, एक तो अवेलेबल पे एक नॉन अवेलेबल पे, ये भी पढ़ा है मैंने आपको। एंटी अटैकर, क्या नाम होता है साहब, एंटी अटैकर। ये मेरे पास में OH हो गया, ये H हो गया और ये आपके पास में CH3 हो गया, मतलब अवेलेबल पे नॉन अवेलेबल पे घुमा के बना दिया तो फिर से मीजो बन गया हमारे पास। ये था, फिर से समझिए, ये BR2 ऐसे लगा जब निकलता है तो जो जैसा लगता है वैसे निकलता है, तो BR2 एंटी लगता है, एंटी मतलब एक अवेलेबल पे और एक नॉन अवेलेबल पे निकलेगा, घुमा देगा, ये घुमा दिया। ये परॉक्सी हमारे पास में क्या काम करता है, परॉक्सी का काम ये हुआ करता है कि ये हमारे पास में क्या होगा OH और OH लगा देगा इस तरह से। अब हमारे पास में जो U बना है, U कौन से वाला बना है, U हमारे पास में ये वाला बना है, उसके ऊपर वाटर का अटैक हो रहा है, वाटर का मतलब एक पे H एक पर OH लगेगा, तो Z मेरे पास में जो बनने जा रहा है उसका नाम क्या हो जाने है, उसका नाम हो जाना है एक पे OH लग जाना है और एक पे H लग जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं। आइडोफोन टेस्ट, ये वाला हिस्सा आइडोफोन टेस्ट देता है, ये वाला हिस्सा आपका आइडोफोन टेस्ट देगा। अब इस आइडो वाले फॉर्म टेस्ट के ऊपर काम करते हैं। ये काम हमारे पास में क्या होगा, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मेरे पास में ये है, ये CH2 है, ये आइडोफॉर्म हमारे पास में क्या होगा, इसका आइडोफॉर्म बनेगा, इसका COONA बनेगा और यहां CHI3 बन जाएगा, दैट्स इट। कल को हमसे कहता है सिल्वर, हमसे कहता है AG इस पर डाल रहे हैं, तो यहां से क्या बनता है CH BH बन जाता है, सिल्वर डालने पर यह बन जाता है। आएगा, फिर ये कह रहा हूं आएगा एग्जामिनेशन में, आएगा, आना पड़ेगा एग्जाम में, यार सीधी सी बात उल्टी बात करते हैं, एग्जामिनेशन में आना पड़ेगा। 1% alkaline को क्या करना होता है, सिन अटैकर, एक यहां लगेगा एक यहां लगेगा, तो क्या बनेगा इस वाले केस में D+L type बनेगा, ये D बन गया वो L बन गया, तो ये आपका कैसा बनेगा रश्मिक और ये कैसा बन रहा है मीजो, आना पड़ेगा, फिर वर्ड बोलो आना पड़ेगा आपका, ठीक है। अब ये NNS2 क्या करता है, ये HBR, यहां आपका क्या ला रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए और उसके बाद में ये जो आपका फेमस है HGSO4H2SO4 ये अटैक करता है HOH करके, ये हमारे पास में 2OH लगाएगा इस पे OH इस पे OH करके और ये इस तरह से आपका एक कीटो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर हमसे कहता है BH3OH- ये एंटी था तो इसमें तो क्या एंटी मार्कोनिकोव का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहां लगाओ यहां लगाओ बात एक ही है, तो दोनों से मिलने वाले प्रोडक्ट कैसे होंगे, बाई चांस सेम होंगे, बाई चांस इस जगह पर दोनों से निकलने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे सेम होंगे। तो मैंने मैक्सिमम रेजेंट्स को आपके इस तरह से समझाने की कोशिश करी जो आप तो पढ़ाया है या जो जनरली आपके पास में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रेजेंट्स को मैंने यहां पर ले लिया है। अब हम जो बात करते हैं वो यहां करेंगे, यहां हमारे पास में क्या ये आपका ये वाला उड़ेगा ऑक्सीडेशन से, ये उड़ेगा ऑक्सीडेशन से, ये उड़ेगा ऑक्सीडेशन से। अब क्या है बेसिकली KMnO4 जो आपका बेसिक होता है, बेसिक KMnO4 या KMnO4 इंप्रेजेंस ऑफ बेस एल्कलाइन, वो क्या करता है बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है मतलब बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो इसको उड़ा करके इस जगह पर क्या डेवलप कर देता है, इस जगह पर डेवलप कर देता है COH, ये भी उड़ाएगा ये भी उड़ाएगा ये भी उड़ाएगा COH हर जगह COH हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहां तो बेंजाइलिक मान लेते हैं, यहां तो है ही नहीं बेंजाइलिक, जब यहां बेंजाइलिक नहीं है तो क्या हो रहा है, दरअसल यहां बेंजाइलिक नहीं, यहां पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है
लेकिन इन दोनों में से अगर देखते हैं तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारे पास में क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब ये ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये COH बनाएगा, ये भी COH बनाएगा, ये भी COH बनाएगा, ये बेंजाइलिक की वजह से बना रहा है और ये रिएक्टिविटी की वजह से बना रहा है, तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो सब पे COH बन जाएगा। लेकिन अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है एल्केन वाले केस में, बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है एल्केन वाले केस में, तो इसको खत्म कर देना है, इसको खत्म कर देना है, हो गया। बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो इसको उड़ा दिया जाएगा, बेंजीन को उड़ा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास में दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, और इस पे प्लस एम ग्रुप लगा रही है डल जाए तो इसे उड़ा देगा, इसे उड़ा करके यहां क्या बना देगा? COH और COH बना देगा, दैट्स इट। माइनस एम ग्रुप है तो माइनस एम ग्रुप वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर मैं इसकी जगह पे यहां माइनस एम लगा दूंगा तो इसे उड़ा देगा हमेशा। अब दोनों माइनस है ऐसा नहीं आएगा, अगर आया तो उनमें जो जूनियर माइनस एम है वो उड़ जाएगा, मतलब हमेशा ऑक्सीडेशन उस वाली रिंग का होगा जिसके ऊपर प्लस एम है, ऑक्सीडेशन उसका कभी भी नहीं होगा जिसके ऊपर माइनस एम लगा हुआ है, दैट्स इट। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने आपके रेजेंट्स कंप्लीट करे, मैक्सिमम रेजेंट्स को मैंने यहां ले लिया, 20 रेजेंट्स को आपको समझाने की कोशिश करी जो कि हमारी सक्सेसफुल रही, जिसको मैं समझा पाया हूं आपको। और फिर से मैं आपसे बोलता हूं एग्जाम में आना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। तो क्विकली रिवाइज करें, पीडीएफ को डाउनलोड करें, नीचे पीडीएफ दे रखी है, वहां से डाउनलोड करके आप क्या करें, इन सारे रिजल्ट्स को देख लें, कौन से रिजल्ट्स हैं, इस फ्लो चार्ट को देख लें और हुए हुए इस काम को देख लें जो आपके सामने काम मैंने करके दिया है। भूलना नहीं है, करके जाना है, रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और रिजल्ट्स को लेता हूं, इस तरह से रेजेंट्स को लेकर के आपके और कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करता हूं, क्योंकि खेल तो सारा रेजेंट्स का ही है। फिर नेक्स्ट एक और वीडियो जब आएगी उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, मैं आपसे बात करूंगा रिएक्शंस, जितनी फेमस रिएक्शन है उसका इंटरमीडिएट्स क्या बनते हैं, क्योंकि एक दो सवाल आपके रिएक्शन से जरूर आते हैं, एक या दो, तो दो भी आगे बहुत है, एक आके तो भी बहुत है। तो रेजेंट्स, रिएक्शंस, इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन और उनके इंटरमीडिएट्स के ऊपर नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे। अभी आप जरा इनको अच्छे से समझ लीजिए, कर लीजिए एक बार करके, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है साहब, दैट्स इट।